सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह के अध्याय 9 भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, का अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, बच्चों जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सब जानते ही हो, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। जन्म सन 1889, इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। मृत्यु सन 1964। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति और अहिंसा के अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिबाऊ उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। भारत माता, अक्सर जब मैं इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है जिस प्रकार से जाते थे, लोगों से मिलते थे और आम जनता से मिलकर जैसा अनुभव करते थे वैसा ही उन्होंने लिखा है। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। और मैं क्यों निकला हुआ है बच्चों, क्योंकि जैसे भारत भरत के नाम से, राजा भरत थे दुष्यंत के पुत्र, राजा भरत, और उन भरत बहुत ही बलशाली थे, ताकतवर थे, तो उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता और तो जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफ एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गूंथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी।
जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यही थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिलों में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक अट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती से उनका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मैं कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब जवाहरलाल नेहरू उन लोगों से मिलते तो वो लोग कहते भारत माता की जय, तो जवाहरलाल नेहरू उनसे कहते कि भारत माता से मतलब क्या है, तो भारत माता से मतलब है इस देश की जनता। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो इस तरह से बच्चों भारत माता के स्वरूप को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें अभिव्यक्त किया है कि भारत माता कहने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि भारत माता से मतलब उसमें निवास करने वाली वहाँ की जनता है। इसलिए भारत माता कि यदि हम जय जयकार करते हैं तो हम उन जनता की ही जय जयकार करते हैं। धन्यवाद।